check the mic and make sure it sound right. आज हम आपको दिखाएंगे ऊटी की कुछ बेहद ही शानदार और ऑफबीट लोकेशंस। हम लेंगे और बार बार लेंगे। क्या बात है, अगर सोते उठते ही आपको अपना दरवाजा खोल के कुछ इस तरह का नजारा दिखाई दे तो क्या खूब है। तो जी गुड मॉर्निंग, वेलकम फ्रॉम ऊटी ऑन डे 4 ऑफ आवर ट्रिप। टाइम हुआ है सुबह के 7:20 और सुबह उठे हैं, मॉर्निंग वॉक लेने की सोच रहे हैं और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेज आई हैव एवर स्टेड एट। एकदम टी गार्डन के बीच में, अगर आप देखें मेरे बैक साइड में, इनफैक्ट मेरे बैक साइड में नहीं, यहाँ चारों तरफ इस तरह से ये टी गार्डन है, इधर भी उधर भी चारों तरफ इस होटल के। छोटा सा होटल है, नाम है इसका ग्रीन लीव्स, ऊटी क्रॉस करने के बाद आता है और कोई ओनली 6 रूम है इस होटल में और हॉस्पिटैलिटी बहुत ही शानदार। जो यहाँ के केयर टेकर हैं मिस्टर सुधीर, वो हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। थोड़ी देर में आपको इसका प्रॉपर्टी टूर भी कराऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी है, जल्दी कवर हो जाएगा। बट जो मेन चीज़ है वो है यहाँ के व्यूज़ जो कि यहाँ से चारों तरफ आ रहे हैं। ये जो टी गार्डन्स हैं इनमें अभी थोड़ी देर में टी गार्डन्स के अंदर भी चलेंगे और ये एक्सपीरियंस भी लेंगे कि चाय के पत्ते कैसे तोड़े जाते हैं। तो जी ये रोड है जहाँ से हम कल आए हैं, उसके बाद दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ग्रीन लीव्स हॉलीडे होम्स। 2 कॉटेजेस हैं यहाँ पर और दोनों कॉटेजेस में कुल मिलाकर 6 रूम्स हैं, 3 रूम्स एक कॉटेज में और 3 रूम्स एक कॉटेज में। प्रॉपर्टी हालांकि काफ़ी छोटी सी है, 2 कॉटेजेस हैं यहाँ पर और उसके अंदर 3-3 रूम दोनों कॉटेजेस में, ओवरऑल 6 रूम्स, बट इट इज़ सिचुएटेड एट ए वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन और बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। यहाँ पर कुछ साइकिल्स रखी हैं जिनको चलाकर हम यहाँ पर आसपास के एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और विराज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि बैक साइड से हमको किस तरह का व्यू नजर आता है। टी गार्डन्स की लश ग्रीनरी के एकदम बीचों बीच सिचुएटेड ये छोटा सा होम स्टे एक बेहद ही शानदार एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यह है इनका डाइनिंग एरिया, यहाँ बैठकर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं। एक रूम यहाँ पर और एक रूम यहाँ, 3 रूम एक कॉटेज के अंदर। और बड़ी मज़ेदार चीज़ यह है कि यहाँ पर छोटी सी बुक लाइब्रेरी भी है, बुक्स पढ़ सकते हैं अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो। और ये है यहाँ की किचन जहाँ से बेहद ही सिंपल लेकिन लजीज और जायकेदार खाना बनाकर हमको पेश किया जाता है। काफ़ी शांत सी लोकेशन पर रिजॉर्ट होम स्टे काइंड ऑफ। ये डबल साइकिल, इसको चलाएंगे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पर और बहुत सारी साइकिल्स जो कि हम चला सकते हैं और पार्किंग के लिए छोटी सी जगह, 2-3 गाड़ियाँ ही पार्क हो सकती हैं यहाँ पर। और बड़ी गाड़ी है तो जैसे कि हमारा टेम्पो ट्रैवलर है तो वो फिर बाहर रोड पर खड़ा होगा, जैसे कि वहाँ पर वो आपको दिख रहा होगा, वो हमारा टेम्पो खड़ा है। तो जी चलिए अपने होटल से बाहर निकल के जस्ट बराबर में अब हम जा रहे हैं टी गार्डन और काफ़ी करीब से टी गार्डन में हमने एंट्री ले ली है। और आइए घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि टी गार्डन के अंदर कैसा फील होता है, कैसा लगता है। टी गार्डन के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद नाउ इट वाज टाइम टू ट्राई द डबल बाइसिकल। चलिए टी गार्डन तो हो गए, अब सीखते हैं कि पुट्टू नाम की इस स्पेशल डिश को कैसे बनाया जाता है। अब आप बताओ कैसे खानी है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे बनाएंगे इसको। How to eat this? तो सुधीर जी ने पहले हमको बनाना सिखाया पुट्टू को, कैसे इस पर बनाना डाला जाता है, शुगर डाली जाती है, मैश किया जाता है और इसके बाद इसको कैसे खाया जाता है। एंड देन इट वॉज टाइम कि मैंने इसको बनाया, शुगर डाली, बनाना डाला, मैश किया और व्हेन आई टेस्टेड इट आई फाउंड इट वेरी टेस्टी। इट साउंड राइट बॉय। ओके जी, सो वी आर रेडी, ब्रेकफास्ट हो गया है और बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी डिश पुट्टू करके हमने यहाँ पे खाई है, मैंने पहली बार खाई है। उसमें बनाना मिलाया, चीनी मिलाई और वो जो अपने आप में पुट्टू बना हुआ था वो सब मिक्स करके,
बहुत ही ऑसम था, काफ़ी टेस्टी लगा। एनीवेज आज हम आपको दिखाएंगे ऊटी की कुछ बेहद ही शानदार और ऑफ बीट लोकेशंस जहाँ पर नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ अपने साथ एवलांच लेक, जहाँ पे कि बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक नज़ारे हमको देखने को मिलेंगे। और अगेन इट्स एन ऑफ बीट लोकेशन, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ नहीं जाते हैं, लोग ऊटी में सिटी में ज़्यादा घूमते हैं। बट मेरा मन हमेशा होता है कि ऑफ बीट लोकेशंस, शांति वाली पीसफुल जगहों पर ज़्यादा घूमा जाए। तो चलिए एवलांच लेक। कुर्ग की इन संकरी रोड्स और उसके दोनों तरफ टी गार्डन्स के इन ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक व्यूज को देखते हुए हम चल पड़े एवलांच लेक की ओर। तो जी हम पहुंच गए एवलांची लेक, वहां पर पीछे चेक पोस्ट है, वहां पर हमारी गाड़ी पार्क हो गई है, उससे आगे पैदल का रास्ता है। ये जो हमारी इस साइड दिखाई दे रहा है ये है पाइन फॉरेस्ट, और इसको क्रॉस करके लेक व्यू हमको देखने को मिलता है। तो चलिए पाइन फॉरेस्ट क्रॉस करते हैं और फिर लेक देखते हैं। जंगल की बहुत ही बढ़िया फील आ रही है पाइन फॉरेस्ट के अंदर वॉक करते हुए, और ये एक टूटा हुआ सा ब्रिज भी हमको देखने को मिल रहा है। What a beautiful place it is. एकदम प्लेट्यू काइंड ऑफ, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं, और इस साइड में जहां मैं जा रहा हूं जिस डायरेक्शन में, इस तरफ यहां पर हमको लेक मिलेगी, एवलांची लेक का एक व्यू देखने को मिलेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा व्यू होने वाला है एवलांची लेक का। सो लेट अस क्विकली गो एंड चेक इट आउट। एंड देयर इज़ ए रिवर एज वेल हियर। पानी की आवाज़ मुझे काफ़ी देर से आ रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग पानी की आवाज़ या तो कोई वाटरफॉल है या रिवर है, बट हेयर इट इज़ अ रिवर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ रिवर। 1 2 3 गो। छोटी सी स्ट्रीम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी इसमें है, बट कंटिन्यूसली पानी फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है, बेहद ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा, पीसफुल। और नदी की आवाज़ जो बहते हुए पानी की, कल कल करते पानी की आवाज़ होती है ना, वो हमेशा से ही बहुत ऑसम लगती है, बहुत ऑसम। यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ पड़ा है, मन तो रहा है इस पर जाकर बैठ जाता हूँ, तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, पेड़ पर जाकर बैठते हैं। चलिए अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, ऊटी के शोर शराबे भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत सी जगह पर हम लोग चलेंगे एवलांची लेक। वहाँ पर हम घूम रहे हैं पिछले लगभग एक घंटे से, और बेहद ही शांत और सुकून कर देने वाला वातावरण यहाँ पर हमको मिल रहा है। लेक अभी तक नज़र नहीं आई है, आगे जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में, शायद लेक भी मिलेगी। अभी तो बस ये रिवर ही मिली है जो मेरे साथ साथ यहाँ पर इस डायरेक्शन में चल रही है। और व्यूज़ जो हैं, व्यूज़ आर सिंपली सुपर्ब एंड वेरी वेरी ऑसम व्यूज़, बहुत ही शानदार नज़ारा। और मेरे को अभी देखने को मिल गया है एवलांची लेक का फर्स्ट ग्लिम्स, एंड ओ माय गॉड व्हाट ए ब्यूटीफुल लेक इट इज़। रश्मि देख, वो सामने देख, वो एवलांची लेक दिख रही है। हाँ। कैसी लग रही है लेक? अच्छी है। तो जैसे मैं लेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़, आपको शायद कैमरे से आवाज़ आ भी रही होगी हवा की, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। और क्योंकि टेरेन थोड़ा सा मिट्टी वाला है, पीछे ग्रीनरी थी लेकिन अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफ़ी मिट्टी मिट्टी वाला टेरेन है, तो धूल भी काफ़ी उड़ रही है। बट जो मेरे को सामने वहाँ पर व्यू नज़र आ रहा है, दैट इज़ सिंपली सुपर्ब एंड ऑसम व्यू। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए एवलांची लेक का फर्स्ट व्यू। सो जी रिवर के बिल्कुल साथ साथ चलते चलते मैं आ गया हूँ राइड ऑन एवलांची लेक। इस साइड से ये पानी आ रहा है उस नदी का, और वो आकर के सारा इस लेक में मिल जा रहा है, एंड दिस इज़ ऑल वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑसम एवलांची लेक। आप देख सकते हैं चारों तरफ की टेरेन कैसी है। इस तरफ हमारे टॉप में जो है ग्रीन कलर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, शायद टी प्लांटेशन, नहीं टी प्लांटेशन नहीं है, बट इट्स ऑल वेरी ग्रीन काइंड ऑफ हिल। इस साइड में आप अगर देखें तो यहाँ पर हमको बिल्कुल मिट्टी वाली टेरेन दिख रही है, जैसी कि स्पीति या लद्दाख में दिखती है।
और इस तरफ अगेन ऊपर ग्रीन कलर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, और सही बताऊँ तो दिल खुश हो गया मेरा यहाँ पर अवलांची लेक में आकर। आइए थोड़ा सा व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। इसका नाम अवलांच कैसे पड़ा ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपने आप में। 1823 के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से ये लेक यहाँ पर बन गई थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड अवलांच लेक। यहाँ पर जो है ये सारी हमारी जो है लेक है अवलांची लेक, और लेक के साइड साइड ये जो मिट्टी है जितना भी एरिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे जैसे मैं यहाँ पर स्टेप्स दे करके चल रहा हूँ तो पैर जो है मिट्टी के अंदर काफ़ी धंस जा रहा है। तो इससे मेरे को ऐसा लगता है कि लेक का पानी हमें यहाँ तक दिख रहा है अभी, वो शायद जब पानी ज़्यादा होता होगा फ्लो तो यहाँ तक या वहाँ तक आता होगा, तभी ये मिट्टी एकदम डैम्प है, बिल्कुल ऐसी है कि पैर इसमें धंस जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पैरों के निशान यहाँ पर, जिन लोगों ने भी उधर तक जाने की कोशिश की है उनके पूरे पूरे पैर शूज़ वगैरह अंदर तक इसमें धंस गए होंगे। तो चलिए काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, अब बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। जी काफ़ी देर शांत वातावरण में बेहतरीन एटमॉस्फेयर को और शांति को पीसफुलनेस को एंजॉय करके अब टाइम है वापस चलने का। एक कुछ एक रील्स यहाँ पे शूट किए जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगी, तो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम Ankit8B। तो जी वापसी आ रहे हैं और थोड़ा सा थक गए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक है, और अभी आते हुए जब इधर आ रहे थे थोड़ा सा डाउन हिल था, और अब जब वापस जा रहे हैं तो थोड़ा सा अप हिल चढ़ना पड़ रहा है, विच इज़ थोड़ा सा लंबा भी है तो थोड़ी सी थकान हो गई है। बट नज़ारे इतने अच्छे थे ना तो लेनी भी पड़ी इतनी थकान ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए, तो हम लेंगे और बार बार लेंगे। चलिए एवलांच लेक पर काफ़ी सारा टाइम यानी कि कई सारे घंटे हमने स्पेंड किए, अब चलते हैं एक और बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर जिसका नाम है पाइकरा फॉल्स।